द वर्ल्ड ऑफ ट्रॉय में हर शख्स के पास कोई ना कोई मैजिक पावर है, लेकिन सबसे पावरफुल होगा वो शख्स जिसे मिलेगा मेडालियन, और वो है लैनफेस्ट। तो फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। फोकस माय बॉय, तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है। बस अपने आप पर भरोसा रखो। और अब आखिरी में हेबेस, जो पिछले साल ट्रॉय ओलंपिक्स का चैंपियन रहा है, और गाय आसमान की तरफ बढ़ती हुई अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाई। हेबेस हार गया। जादू होने के बाद तुम भी सालों जैसे बन गए। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले साल का ओलंपिक चैंपियन अपना यहाँ मजाक उड़वाने आया है। तुम्हें वहीं रहना चाहिए हिबिस, उन्हीं से मुकाबला करो। दिखा दो हिबिस, पावर क्या होती है। Boring. क्या हो गया हिबी, तुम एंजॉय नहीं कर रहे? लैनफेस्ट मेरा ट्रोल जोक हो गया। बस इतनी सी बात है? ठीक है, मैं ढूंढ देता हूँ। बताओ वो दिखने में कैसा है? वहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ मिलेगा मेरे अंदर। तैयार हो जाओ ट्रोल, तुम्हारा मुकाबला बस उन हीरो से होने वाला है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। कैप्टन को हरा दो हिबी और दिखा दो कि कौन है ताकतवर। तुम जानते हो लॉयगुड, हिबिस की तबीयत खराब है, इसी वजह से तुम जीत गए। मैंने ये मुकाबला ईमानदारी से जीता है और अब मैं तैयार हूँ ट्रोल से हर किस्म के मुकाबले के लिए। हाँ भाई हिबिस, लैनफेस्ट ने बताया कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, सब ठीक है। नहीं, ओलंपिक शुरू होने वाला है और मैंने उसे कभी मिस नहीं किया। ओके, तो जाओ और पार्टिसिपेट करो उसमें। इसके लिए मुझे अपने दोस्त को छोड़ना पड़ेगा और ये नहीं हो सकता। hey, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? वाकई? एक्सक्यूज मी, लेकिन ये ओलंपिक्स है क्या? ये तो ट्रोल्स की कदीम रिवायत है माय डियर। बहुत ही खास रिवायत, और ये एक्सट्रीमली अग्रेसिव कॉन्टेस्ट है। बिल्कुल ठीक बिशु, और इसमें हिस्सा लेना हर ट्रोल का। क्या बात है ट्रोलंपिक्स, आई एम कमिंग। ओहो, मजा आने वाला है बहुत। क्या इंसान भी हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, पर इंसानों को हिम्मत करनी चाहिए हिस्सा लेने की। तो फिर तो मैं जरूर हिम्मत दिखाऊंगा और एक मुल्क का नाम रोशन करूंगा। और पहली बार ऐसा होगा कि ट्रोल्स और ह्यूमंस एक साथ मुकाबला करेंगे, और ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। यानी तुम सब साथ चलोगे? हाँ। मैं परमिशन दे दूंगा तुम्हारे दोस्तों को ट्रोलंपिक्स में हिस्सा लेने की, अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ
क्या तुम्हारे दोस्त ईमानदारी से कानून फॉलो करेंगे? इस चीज की गारंटी मेरी है, ऐसा ही होगा। यहाँ मैजिक यूज करने की किसी को परमिशन नहीं। ठीक है, हम मैजिक यूज नहीं करेंगे। ये लो, इसे अपने पास रख लो। ही भी हम बिना मेडालियन के ही जीतेंगे। परफेक्ट, मुझे लगता है कि ये ट्रोलंपिक्स में बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। खेल शुरू किया जाए। क्या बात है, हम भी ट्रोलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। एक आखिरी बात, लड़कियाँ ट्रोलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती। चलो खेल शुरू करते हैं। क्या तुम डर गए कि मैं तुम्हारी हालत बुरी ना कर दूं? तुमसे बड़े बड़ों का अकेले मुकाबला किया है। Calm down, girls. हमने प्रॉमिस किया है, फॉलो करेंगे रूल्स। कितना खुदगर्ज है ये। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए ताहिबे। ये मेरा साल है, इस साल मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम जैसा हाफ ट्रोल तो बिल्कुल नहीं। कितना अच्छा जोक सुनाया तुमने ब्रो, ऐसे ही और जोक सुनाओ ना। क्या मुझे नहीं दिख रहा कि तुम अपना ट्रोल जो खो बैठे हो? और मेरे पास अभी भी है। नो ट्रोल जो, नो चांस। वेलकम बैक टू द कंपटीशन। आज ट्रोलिश के सेमीफाइनल का आखिरी दिन है और ट्रोलंपिक्स का भी आखिरी दिन हो सकता है अगर कॉलेज जीता। एकदम सही कहा। इस कंपटीशन में चार लोग हैं, लैंडफिश, हीबर्स, लॉयगोट और कॉलेज, जो चार पॉइंट्स लेकर सबसे आगे हैं। और बाकी सब अंडे। और याद रहे, जिसने भी 5 पॉइंट्स ले लिए वही बनेगा ट्रोलंपिक्स चैंपियन। ऐसे उदास क्यों बैठे हो कैप्टन, थोड़ा सा हंस दो ना। जो पहले हंसेगा वो हार जाएगा। चलो ब्रो, मुझे हंसा के दिखाओ। क्या कर रहे हो, हंसा रहे हो या तकलीफ दे रहे हो? किसी ट्रोल को हंसाने के लिए क्या करना होता है डैड? बहुत आसान है, बस उसकी नाक पर हिट करो। देखते हैं कि तुम अभी भी चैलेंज के लिए तैयार हो या नहीं। तुम्हें देखना चाहिए, वो सब वाकई इंटरेस्टिंग है। ये ट्रोल्स क्या कर रहे हैं? और ये खुद को बहुत बड़ा वॉरियर समझते हैं। देखो तो ये कैसी बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान था। हार गया मैं। हार गया। तुम्हारी नाक हमेशा की तरह नाजुक है ब्रो। और अब कॉलेज मुकाबला करेंगे लैंडफिश के साथ। ये डरती सी जान कॉलेज का मुकाबला कर पाएगी कि नहीं, देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है। लैंडफिश को बस थोड़ा दिमाग यूज करना होगा। यार नीचे बैठकर खेलो ना, मैं तुम्हारी नाक तक कैसे पहुंचूंगा? यही तो असल खेल है। वेलकम टू द ट्रोलंपिक्स। देखते हैं। ये कहां गया? यहाँ हूँ मैं। क्या हुआ, हैरानी हो रही है? लैंडफिश! ओह माय गॉश! कहाँ गया? मुझे तो लग रहा था तुम बहुत तेज होगे। रुक जाओ, अभी तुम्हें बताता हूँ कहाँ गया ये। अरे मैंने कहाँ जाना है। एक बात कहूँ, तुम्हारी नाक हेबिस से भी ज्यादा प्यारी है। Well done, my boy. यकीन नहीं आ रहा, लैंडफिश ने कॉलेज को हरा दिया है। हरा दिया मैंने उसे। तो बताओ ट्रोल्स, कौन है असल चैंपियन? इसका मतलब जंग है। अब तुम ट्रोलंपिक्स का एंड नहीं देख पाओगे। इसको छोड़ दो कॉलेज, अगर इससे हाथ भी लगाया तो पहले मुझसे निपटना होगा तुम्हें। तुम मार हो गया। पहला पॉइंट लैंडफिश को जाता है और दूसरा कॉलेज को। जबकि ही बस लाएगा डंडे पर। कल तक के लिए मुकाबले खत्म, सब नहा धोकर सो जाए। बाय बाय, कल मुलाकात होगी। गुड नाइट। वाओ, मजा आ गया। लेकिन थक भी बहुत गया हूँ। तुम थक गए होगे, लेकिन मैं तो अभी भी फ्रेश हूँ। मैं हूँ एक बॉय का चैंपियन। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, तुमने अच्छा मुकाबला किया। शायद, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा था। कम ऑन हीबी, कैसी बातें कर रहे हो? आज तो सिर्फ एक वार्म अप था, कल हम लोग तुम्हारी हार का बदला लेंगे। सॉरी, हम नहीं सिर्फ मैं, मुझे अकेले ट्रोलंपिक्स जीतना होगा। ट्रोल जो वापस चाहिए मुझे।
वैसे ट्रोल इतने बुरे भी नहीं है जितना हम इनको समझते हैं। सब संभल कर रहे, स्वयं ट्रोल बनने वाली है। नहीं ऐसी तो बात नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी ऐसे कैसे करते हैं। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। सिर्फ ट्रोल ही ट्रोल ओलंपिक जीत सकता है। मेरा मतलब है कि एक रियल ट्रोल। इसका फैसला अभी नहीं हुआ, वैसे भी जीत तो सिर्फ मेरी है। क्या तुमने स्कोर बोर्ड नहीं देखा? तुम्हारा एक पॉइंट भी नहीं है अब तक। और हाँ लैंडफिश, जब मैं इसे बुरी तरह हरा दूंगा तो उठा के ले जाना इसे वापस एटमोल। क्या किसी ने एटमोल की बात की? और अब मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुकाबले के तख्त दिन के बाद मैं अपने आप को पुरसुकून करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ रॉक बार, और इसके बाद ये शिकार के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वाटर फ्री कॉलेक्स रॉक गारंटी के साथ। मुकाबले के दूसरे दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुकाबले में वापस आने के लिए हिबिस के पास ये आखिरी मौका है। ओह बॉय, चलो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। कहीं मेरे खिलाफ ये साजिश तो नहीं? अब एक ट्रोल दिखाएगा कि ये कैसे होता है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे हराओ। अपना सामान पाल लो हिबिस, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेलना है तो क्यों ना आप बस करें। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। और अब अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए कुछ पॉजेस का मुकाबला। इसका फैसला आपकी क्लैपिंग करेंगी। और ये लैंडफिश, ठंड लग गई शायद। और बेहतरीन पॉजेस बनाकर ये मुकाबला हिबिस जीत गया। हिबिस विन। तो बताओ हिबिस, अपना ट्रोल जो वापस पाकर कैसा लग रहा है? जिंदा हो गया हूँ। और अब रेस का मुकाबला शुरू हो गया है। देखते हैं इसमें कौन बाजी लेकर जाता है। बहुत अच्छे, गुड लक एवरीवन। लैंडफिश ने किया अपनी छोटी टांगों का बेहतरीन इस्तेमाल। ऐसा कभी नहीं देखा। लैंडफिश कॉलेज से करें फिर से सेलेक्ट किया अपनी स्लाइड क्रॉस के। लैंडफिश विन। और कॉलेज से गेम लैंडफिश से हार गया। कहना पड़ेगा सख्त मुकाबला था। तो मेरे प्यारे ट्रोल भाइयों, आज के मुकाबले हुए खत्म। अब कल होगा आखिरी मुकाबला चैरिट रेस का। आज तो तुम लोग गहरी नींद सोचा, मगर कल कोई रूल्स नहीं होंगे। मैं इस साथ से कभी नहीं हार सकता। बाय बाय लैंडफिस्ट। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। ये लो, ये ट्रोल्स का खाना हजम करने में मदद करेगा। और ये बना है चूहे की चर्बी से।
मुझे मत करना। डोंट वरी माय बॉय, यहाँ तक पहुँचना भी तुम्हारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। मैं जीतना तो चाहता हूँ, मगर आप तो जानते हैं ना, उसे अभी अभी अपना ट्रोल जो मिला है। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस, बस हिम्मत नहीं हारना, अपनी पूरी जान लगा देना, जो बेस्ट ट्रोल होगा वो ही जीतेगा। इसीलिए मैं ही जीतूंगा। पहला टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप सबको खुशामदीद, लेकिन फाइनल से पहले क्यों ना गाना हो जाए। मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ आप सब ट्रोल्स को। और अब वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। यह है ओलंपिक्स की चीयरिंग, खिलाड़ी को ऐसे अपने कंधे पे उठाकर भागना होगा, बिल्कुल ऐसे। तो सब समझ गए, कुछ ही देर में खेल शुरू हो जाएगा और फैसला हो जाएगा कि कौन बनेगा ओलंपिक चैंपियन। आखिर ट्रोल इतना खाना हजम कैसे कर लेते हैं? ये लास्ट राउंड है और ये साबित करेगा कि विनर कौन है। क्या कोई बताएगा ये गाड़ी कैसे चलती है? तुम कर सकते हो लैंडफेस्ट। हाँ शुक्रिया, लेकिन इसे तो हिलाना भी मुश्किल लग रहा है। ये कितनी शर्म की बात है लैंडफेस्ट। और जरा देखे तो सही, लैंडफिश की चेयरिंग तो टूट गई। अफसोस, लैंडफिश के लिए ये रेस खत्म। ये तो वक्त बताएगा। काले सबसे आगे आगे और पुल से जंप लगाई इन्होंने पत्थरों पे, और ये रेस उसके बिल्कुल पीछे। लगता है ट्रोल जो इसका वापस मिल गया है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम जीत सकते हो? पहले राउंड में कॉलेज और ही बस बराबरी के मुकाबले में है, जबकि तुम कभी नहीं जीत सकते। शायद तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है। इतनी छोटी गलियां क्यों बनाई है? ये तुम कहां छुपे हुए हो? आखिरी पीस भी लगा दिया मैंने। मगर मेरे भाई रियल ट्रोल मैं हूँ। मुझे भी अपनी कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सस्पेंस है, ये रेस तो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। लेकिन नहीं हो रहा, लैंडफिश फिनिश लाइन के ऊपर खड़ा है। देखते हैं वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। इसको मैं कैसे उठाऊंगा? हिम्मत, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ लैंडफिश। कॉलेज ने फिनिश लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। अब क्या होगा? वो जीतेगा कॉलेज से लैंडफिश। यहाँ मेरी टीम है।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वुहू, नाकाबिले यकीन, लैंडफिश ने कॉलेज को हरा दिया। भले गेम खत्म हो गया लेकिन अब शुरू होगी जंग। ट्रोल स्टार। चलिए डैडी यहाँ से चलते हैं। लैंडफिश अपने अल्टीमेट पावर यूज करो। नहीं कर सकता, मेडेलिन हेबस के पास है। खेल खत्म हुआ, अब तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। हे, मैं फेर तरीके से जीता हूँ। ट्रोल ब्रदर्स, तुम सब ये क्या कर रहे हो? ट्रोलंपिक्स का असल मकसद यही है, जो बेस्ट ट्रोल है वो ही जीतता है। यहाँ सिर्फ ट्रोल्स ही ट्रोल्स हैं। क्या वाकई? क्या लॉयगुड ने हमें नहीं हराया? जितना उसने खाया हम में से कोई खा सका? तुमने ठीक कहा है बिस, मैं एक ट्रोल हूँ। क्या सीसी और सियान ने तुम सबके सामने हमारा ओलंपिक सॉन्ग नहीं गाया? उस वक्त तो बड़ा डांस किया था। हम ट्रोल्स हैं। गर्ल्स। और आखिरी बात, ओलंपिक्स वो जीतता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और आज जो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है लैंडफिश। क्या मैं ट्रोल हूँ? छोड़ो मुझे कॉलेज। तुम सबसे बेहतरीन ट्रोल थे और तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरे छोटे भाई, कभी नहीं छोड़ा था मैंने तुम्हें। मैं हमेशा से ही एक ट्रोल हूँ, बस ये मेरी नई फैमिली है। माना कि ये नहीं है ट्रोल्स, फिर भी वो जानते हैं मुझे कैसे हंसाना है। रुको रुको रुको, तुम दोनों सगे भाई हो? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, नहीं लगता शक्ल से। क्या पता है तुम्हें बेस्ट फ्रेंड का मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ना होते तो मैं कभी नहीं जीत पाता। तुम नहीं जीते, मैं हारा हूँ, मगर तुम्हारा इंतजार करूंगा अगले ओलंपिक्स में। मुझे इस कॉम्पिटिशन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सॉरी, शायद मैंने ज्यादा खा लिया। तो आखिरकार ओलंपिक पर मेरी रिसर्च का इख्तिताम हुआ। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रोल और इंसान आपस में दोस्त बन जाए जैसे कि ये दोनों हैं, तो हमारा ट्रॉय कितना खूबसूरत हो जाए।